Good morning, students. So in this class we will learn types of fractions and representing fraction on a number line. So let us start with the types of fraction. Now there are different types of fractions. Types of fractions. First one is proper fraction. A fraction whose number is less than the denominator, whose numerator is less than the denominator is a proper fraction. ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर छोटे होते हैं डिनोमिनेटर से, इट मीन्स 1/2. न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, देन 5/6, 12/13. अंडरस्टूड? ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर छोटे हो और डिनोमिनेटर बड़े हो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ अनदर वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है नीचे वाले नंबर से, या तो फिर दोनों सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 15/12, 9/8, 7/5, ये सभी हो गए हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अंडरस्टूड? नाउ थर्ड इज मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. फॉर एग्जांपल 3 एक होल नंबर है, यहाँ पे मैं 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन डाल दूँ तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन. 5, 7/9 तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन. अंडरस्टूड? एक होल नंबर होना चाहिए और दूसरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए. देन 1, 3/4 इसको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन. ना जब कभी भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते. फॉर एग्जांपल 15/14 है तो यहाँ पे मैं 14 रखता हूँ. 14 के टेबल में 15 नहीं आता, बट 14 के टेबल में 14 आता है. 14 ones are 14. 14 के बाद कौन सा नंबर आता है? 15, क्योंकि 15 बना ना, तो एक नंबर बचा तो वो नंबर यहाँ पे आएगा. अंडरस्टूड? तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. अंडरस्टूड? दोज आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. नाउ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. सो नंबर लाइन है, यानी लाइन होती है उस पर नंबर दिए होंगे. सपोज आई एम टेकिंग 0, 1, 2 और आगे भी जाते हैं, राइट? ना मुझे नंबर दिया है 5/7. अभी ये तो मेरा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है. तो हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए. इफ प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन होना चाहिए. हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. अगर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो हमें उसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके ही आगे बढ़ना है. अभी यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं बीच में डाल दूंगा 0. तो ये क्या डिसाइड करता है?
कि 0 है तो 0 से 1 के बीच में ये 5/7 हमारा आएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वहां पे मैंने डाल दिया 0। तो 0 ये वाला नंबर जो होल नंबर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। अगर 0 है तो 0 के आगे कौन आता है? 1। तो 0 और 1 के बीच में ये नंबर आएगा। देन ये नीचे डिनोमिनेटर वाला क्या डिसाइड करता है कि ये दोनों नंबर के बीच में हमें कितने पार्ट्स बनाने हैं। कितने पार्ट्स बनाने हैं? 7। तो स्टार्टिंग को नहीं गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। डन 7। और ये नंबर ये डिसाइड करता है कि कौन से पार्ट पे हमें ये नंबर को प्लेस करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारा आ गया यहाँ पे 5/7। अंडरस्टूड? नाउ इफ ऐसे दिया हो 1/7, तो यहाँ पे हमारा 1/7। 2/7 दिया हो तो 2/7 का आएगा 2/7। देन 3/7, 3/7, दिस इज अवर 3/7। एंड 4/7, सो 4/7 यहाँ पे हमारा आया 4/7। अंडरस्टूड? दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन। देन इट इज गिवन 10/20, 14/20, 16/20 एंड 19/20। अभी देखो ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है तो सभी के आगे यहाँ पे मैंने डाल दिए 0। अंडरस्टूड? अभी मुझे 0 से लेके 1 के बीच में ये वाला नंबर आएगा। कितने पार्ट्स बनाने? सब में मेरे पास 20 20 है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। डन। अभी ये 10/20, 10/20 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आया 10/20। 14, सो 10 11 12 13 14 यहाँ पे 14/20। 16, 15 16, 16/20। 19 17 18 19, सो हियर 19/20। अंडरस्टूड? ऐसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो ना नंबर लाइन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फ्रैक्शन गिवन बिलो सेपरेट प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमें फ्रैक्शंस दिए 5/17, 11/7, 3/8, 9/7, 11/14, 7/6, 5/8, 3/15, 25/9, 13/10, 18/17, 18/19, 21/37, 15/16। ना ये जो फ्रैक्शन दिए इसमें से हमें सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं। सो प्रॉपर फ्रैक्शन, सिर्फ हमें प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमेरेटर जो ऊपर का नंबर होता है वो छोटा होना चाहिए नीचे वाले नंबर से। अंडरस्टूड? तो 5/17 छोटा है, सो यस 5/17 प्रॉपर में आएगा। 11/7 नो, ऊपर बड़ा नंबर है। 3/8 यस 3/8। 9/7 नो, ऊपर बड़ा है। 11/14 यस 11/14। 7/6 सो नहीं, ऊपर बड़ा है। 5/8 यस 5/8। 3/15
यस 3 बाई 15, 25 बाई 9 नो ऊपर बढ़ रहा है, 13 बाई 10 नो ऊपर बढ़ रहा है, 18 बाई 17 ऊपर बड़ा नंबर है, 18 बाई 19 यस 18 बाई 19, 21 बाई 37 यस ऊपर छोटा है सो 21 बाई 37, 15 बाई 16 सो दिस ऑल्सो 15 बाई 16। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस, इसमें से हमें प्रॉपर फ्रैक्शन चूज करके यहाँ पे सेपरेट करने थे। सो डन, राइट 5 प्रॉपर फ्रैक्शंस हुज न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफर बाई 3। हमें कोई भी 5 प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने हैं जिसका न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस का आंसर यानी माइनस का आंसर 3 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 लिखूं तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2 3 4, यहाँ पे आया 4। 7 लिखूं तो 7 8 9 10, यहाँ पे 10 प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहे, देखो ऊपर छोटा है नीचे ना बड़ा नंबर है, 11 12 13 14, 21 22 23 24, 35 36 37 38। सो हमने 5 प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लिए जिसके माइनस का आंसर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करे तो उसका आंसर 3 मिलेगा। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। राइट फ्रॉम द फ्रैक्शन गिवन बिलो सेपरेट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो यहाँ पे भी फ्रैक्शन दिया हमें 1 बाई 7, 3 बाई 2, 5 बाई 4, 41 बाई 47, 22 बाई 17, 101 बाई 19, 17 बाई 33, 19 बाई 17, 7 बाई 11, 23 बाई 21, 53 बाई 41, 41 बाई 23, 32 बाई 42, 50 बाई 61। अभी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर ऊपर में हमें बड़ा नंबर चाहिए, राइट सो ऊपर छोटा है डिनोमिनेटर से, ऊपर बड़ा है सो 3 बाई 2, 5 बाई 4 ऊपर बड़ा है 5 बाई 4, 41 बाई 47 ऊपर छोटा नंबर है, 22 बाई 17 बड़ा नंबर 22 बाई 17, 101 बाई 19 ऊपर बड़ा है 101 बाई 19, 17 बाई 33 छोटा है, 19 बाई 17 बड़ा नंबर है 19 बाई 17, 7 बाई 11 ऊपर छोटा है, 23 बाई 21 बड़ा नंबर है सो 23 बाई 21, 53 बाई 41 सो ऊपर बड़ा है 53 बाई 41, 41 बाई 23 ऊपर बड़ा नंबर है 41 बाई 23, 32 बाई 42 ऊपर छोटा है, 50 बाई 61 ऊपर छोटा है सो डन। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हुज न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफर बाई 7। हमें 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने हैं जिसका न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का माइनस करे तो हमें आंसर 7 मिलना चाहिए। सो पहले हम डिनोमिनेटर लिखेंगे और 7 काउंट करके उसको न्यूमेरेटर में लिख देंगे, 21 सो 22 23 24 25 26 27 28, ये दोनों का हम माइनस करें तो आंसर 7 आएगा, 15 16 17 18 19 20 21 22, देन 39 40 41 42 43 44 45 46 46
100, so 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243. सो फाइव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लिए, जिसका माइनस का आंसर हमें क्या मिलेगा, 7. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स फ्रैक्शन. हमें फ्रैक्शन दिए हैं, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 17/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको हमें चेंज करके किस में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, 17 को डिवाइड बाई 3 कर लेंगे. सो 3 5 15, 2 0. सो यहाँ पे 3 है तो वो तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा. यहाँ पे जो भी लिखा हो यहाँ आएगा. ये जो आंसर है वो यहाँ बीच में लिखना है, होल नंबर, और जो रिमाइंडर बच जाता है वो यहाँ पे. अंडरस्टूड. नाउ 29/7, सो वी विल डिवाइड 29 को 7 के साथ. 7 4 जा 28, 1 0. सो ये 7 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, 4 आया वो कहाँ पे आ गया, यहाँ बीच में, एंड ये रिमाइंडर 1 आया वो यहाँ पे. अंडरस्टूड. थर्टीन एंड 87. सो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, एंड 13 7 जा 91. 91 तो इससे बड़ा हो गया, तो 13 6 जा 78, 17 7. सो 13 अपनी जगह पे, ये 6 यहाँ पे, और बचा क्या, 9. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी मिक्स फ्रैक्शन दिया है, उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट? सो एट अपनी जगह पे ही रहेगा. अभी पहले क्या करेंगे, 3 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 8 जा 24, प्लस ये 7 यहाँ पे प्लस होगा, 24 प्लस 7 31. सो 31/8. अंडरस्टूड. देन 6 6 5 जा 30, 30 प्लस 5, ये 5 यहाँ पे आएगा. सो 30 प्लस 5, 35/6. फोर अपनी जगह पे, 4 9 जा 36, प्लस 2, 36 प्लस 2, 38/4. अंडरस्टूड. नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. अभी हमें थोड़े फ्रैक्शंस दिए हैं, बट वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट वन इज 11 4/7. तो पहले हमें क्या आता था, यहाँ पे 0 आता था, तो 0 से 1 के बीच में लेते थे. अभी हमें क्या आया है, 11. तो 11 के राइट साइड जाए नंबर लाइन पे, तो क्या आता है आगे, नंबर 12. तो 11 से लेके 12 के बीच में ये नंबर आएगा. कितने पार्ट्स करने हैं हमें, 7. 1 2 3 4 5
सिक्स, सॉरी है सेवन, और कौन से पार्ट पे आएगा, फोर, 1 2 3 4, 11, 4 बाई 7, डन, अंडरस्टूड। देन 2 11 बाई 10, सो वी विल ड्रॉ नंबर लाइन। 2 है तो 2 से लेके 3 के बीच में हमें ड्रॉ ये नंबर आएगा, कितने पार्ट्स करने हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, कौन से पार्ट पे, 10 पार्ट पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 2 10 बाई 11, अंडरस्टूड। दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट मिक्स फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। नाउ व्हाट इफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए है, उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वन इज 43 बाई 6, तो पहले तो हम 6 और 43 को डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज 6 पार्ट करें उसमें से 43 पार्ट पे हम पहुंच नहीं पाएंगे। सो 6 7 ज़ा 42, 1 और 0, तो इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 6, ये 7 यहाँ पे आएगा और 1। अभी हम नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ से, 7 से लेके 8 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, कौन से पार्ट पे, फर्स्ट, सो 43 बाई 6, या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड। 66 बाई 9, तो पहले डिवाइड कर लो इसको, 9 एंड 66, 9 7 ज़ा 63, 3 एंड 0, सो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हुआ, यहाँ पे 9, ये 7 यहाँ पे एंड 3, सो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 7 आया तो कहाँ से ड्रॉ करेंगे, 7 से लेके 8 के बीच में, 6 आया तो 6 से 7 के बीच में, लाइक दैट। कितने पार्ट्स करने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कौन से पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे, सो हियर 66 बाई 9, अंडरस्टूड। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। थैंक यू।